गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे डबल डेरिवेटिव का। क्वेश्चन है वाई इक्वल टू 5 cos x - 3 sin x और प्रूफ दैट है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। सो लेट वाई इक्वल टू 5 cos x - 3 sin x। क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। वी गेट क्या मिलने वाला है, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 5 है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस 3 डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि 5 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। इसलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x। अब ये इसको क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स हो गया डेरिवेटिव। अब इसका अगेन डेरिवेटिव निकालेंगे, अगेन डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिगार्डिंग फिर डेरिवेटिव निकलेगा, तो लिख लेंगे डी वाई स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 sin x का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस 3 और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। और ये क्या बन गया, माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x। ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और अब यहाँ प्रूफ दैट है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। सो नाउ LHS इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये लाना है 0 हमें। इसका जो वैल्यू है यहाँ पर क्या आया है, माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x और y तो क्वेश्चन ही है, तो प्लस 5 cos x माइनस 3 sin x। सो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी कि 0 RHS प्रूव करो।